जय हिंद। बैंक निफ्टी के एक और धमाकेदार एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कल हीरो जीरो ट्रेड यानी कल थर्सडे, और थर्सडे के दिन आपको पता है कि हीरो जीरो ट्रेड होता है, तो उसके सेटअप इस वीडियो में तैयार करेंगे कल किस तरीके से हमें बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी आज जो अपना फाइनल क्लोजिंग दिया है, देख सकते हैं 40,999 पर दिया है, और पिछले दिनों की जहाँ पर क्लोजिंग हुई तो उससे 146 अंक हम लोग चढ़कर ऊपर जाकर क्लोज हुए हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है कल के लिए भी। अब देखिए, हम लोग पता है कि लगातार इस रेंज से बाहर निकलने के बाद पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो लगातार ऊपर ही क्लोजिंग दे रहे हैं, तो ऑलरेडी एक लंबा चढ़ाई हम लोग चढ़ चुके हैं। और कल चूंकि थर्सडे है, और थर्सडे है ये बड़ी बात नहीं है, कल जो है RBI का मॉनिटरिंग पॉलिसी होने वाला है, उसमें जो रेपो रेट है बढ़ाए जाने हैं, तो इसको लेकर कल थोड़ा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अब देखिए, आपको सिंपल करना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। कल के दिन अभी मैंने एक दिन का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, बाद में 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर समझेंगे, पहले एक दिन के टाइम फ्रेम पर समझते। देखिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यदि मार्केट निकल कर सस्टेन करता है, अभी जैसे आप देख सकते हैं कि अभी एकदम मतलब 41,000 के आसपास ही हमारा मार्केट ठहरा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है 41,122 का लेवल। 41,122 के ऊपर यदि गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, या गैप अप ओपन नहीं भी होता और इस लेवल को जब पार करता है, तभी हम फिर CE साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तुरंत मार्केट ओपन होने के साथ ही सही साइड की तरफ नहीं चले जाएंगे, जैसे हमें लग रहा है कि पिछले कई दिनों से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अंधाधुन बाई नहीं करना है। इस लेवल को ध्यान में रखिएगा, 41,122 को, इसको ब्रेक होने दीजिएगा कुछ देर, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा 5-10 मिनट, तभी आप ऊपर की तरफ सी साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो लगता है कई दिनों से मार्केट आपको ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिख रहा होगा। अब आपको नीचे की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कल जैसे मैंने बताया RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी की बैठक होनी है, उसमें रेपो रेट बढ़ाए जाने हैं, तो हो सकता है कि इसका नेगेटिव असर मार्केट पर पड़े। और चूंकि फ्राइडे के दिन भी मार्केट क्लोजिंग है, तो कल के दिन एक्सपायरी है, तो सभी लोग अपना पोजीशन काटना चाहेंगे, तो और RBI का यदि जो मॉनिटरिंग पॉलिसी बैठक होने वाला, उसका यदि इंपैक्ट मार्केट पर नेगेटिव पड़ता है, तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इस ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इसके नीचे भी मार्केट आ सकता है, तो नीचे आता है तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। हालांकि ज़्यादा संभावना है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा और इस लेवल को जब ब्रेक करेगा मार्केट, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो एरिया देख रहे हैं 41,100 का, तो आप 41,100 के थोड़ा ऊपर यानी कि 41,122 के ऊपर इस ट्रेंड लाइन को निकलने दीजिएगा, और फिर वहाँ पर हम सी साइड की तरफ पूरा ट्रेड इनिशिएट करेंगे। आज के दिन की बात कर ले तो आज ये 5 मिनट के टाइम पर देखेंगे तो शुरू में आज मार्केट में ये प्रॉफिट बनाना काफ़ी कठिन लग रहा था, क्योंकि शुरू के तो तकरीबन 1.5 घंटा तक मार्केट एक रेंज बाउंड में ही फंसा रहा। थोड़ा बहुत इस रेंज बाउंड से जो मार्केट नीचे थोड़ा ब्रेक किया, तो नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो कुछ लोगों ने नीचे की तरफ पैसे बनाए, लेकिन ज़्यादातर पैसे नीचे की तरफ नहीं बने, ज़्यादातर पैसे जो बने ऊपर की तरफ ही बने, क्योंकि इसमें मार्केट यहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रैप हो गए थे, और उसके बाद जब कैंडल ऊपर निकला और फिर ऊपर से जब नीचे आया, तो आज इसमें पैसा बना। तो कल के दिन भी ऐसा हो सकता है कि शुरू के कुछ आवर्स में आपके पैसे नहीं बने, सेकेंड हाफ में आपके पैसे बने, तो उस चीज़ के लिए भी आप अपना माइंड सेट उस तरह के तैयार करके रहिएगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आप 40,122 के लेवल को ऊपर की तरफ जाने देंगे, 41,122 को, उसके बाद ही आप सी साइड की तरफ ट्रेड करेंगे। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।